हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 में हिंदी का पेपर देना है, उनको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि 2024 में हम हिंदी में 100 में 99 लेकर आएंगे। अब आप लोग कहेंगे सर 100 में 100 क्यों नहीं? देखिए 100 में 100 हम लेकर आएंगे, लेकिन मिनिमम हम 99 इस बार लेकर आएंगे। अब आप कहेंगे सर ऐसे बोलने से थोड़ी ना आ जाएगा, तो इसीलिए आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक मैराथन क्लास। लगभग एक घंटे की ये क्लास होगी और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को बैठकर खूब ध्यान से देखेगा उसका 50 नंबर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं क्लास 12 हिंदी का जो खंड का होता है, पूरे खंड का को मैं एक ही वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। तो पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न भैया एक ही वीडियो में, ये मौका बार बार नहीं मिलता। ठीक है, आगे भी मैं आपको बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन ये क्लास सबसे बेहतरीन है। देखो YouTube पर पहली बार ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा भैया जैसा मैं बताता हूं। पूरा मैराथन क्लास, पूरा हिंदी एक ही वीडियो में मैं लेकर आता हूं, और जो भी स्टूडेंट रेगुलर इसको देखता है, देख लेना वो 95 प्लस लेकर आएगा, वो 99 लेकर आएगा। ठीक है, देखिए कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे पहले ये जान लो। सबसे पहले हम हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। अब छोटे छोटे वीडियोज को देखने से कुछ नहीं होगा, अब आपको मैराथन क्लासेस ज्वाइन करना होगा जो मैं देने जा रहा हूं आज। ठीक है, दूसरा हम महत्वपूर्ण गद्यांश पढ़ेंगे, गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं, और इंपॉर्टेंट गद्यांश मैंने लिया है जो हर साल आता है भैया, ट्रेंडिंग में है। फिर हम महत्वपूर्ण पद्यांश पढ़ेंगे, देखिए ये 10 नंबर का आता है, ये भी 10 नंबर का और ये भी 10 नंबर का। ठीक है, उसके बाद में हम लेखक का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे 5 नंबर का, फिर कवि का साहित्यिक परिचय 5 नंबर का, और जिस लेखक और कवि को मैंने लिया है उनको पढ़ के जाओगे तो पूरे के पूरे नंबर लाओगे। फिर हम पढ़ेंगे कहानी 5 नंबर का और खंड काव्य 5 नंबर का, टोटल अगर जोड़ा जाए तो 10, 10, 10, 30, 35, 40 और 45, 50 नंबर आज हम कंप्लीट करेंगे। मजाक मत समझिएगा, अब सीरियसली लीजिए पढ़ाई को, क्योंकि समय आ गया है खुद को इंप्रूव करने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 नंबर के आते हैं। इस 10 नंबर को अगर आपको लेकर आना है, पहला टॉपिक आपका बहुविकल्पीय प्रश्न ही है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना होगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप क्वेश्चन पढ़े रहेंगे उतने ज्यादा चांसेज होंगे 10 में 10 लाने के। वैसे इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन का आंसर पता होगा, आप लोग तुरंत आंसर दीजिएगा। देखिए फर्स्ट है, चिंतामणि किस लेखक के निबंधों का संग्रह है? चिंतामणि बताइए किसका निबंध संग्रह है, जल्दी बताओ, हाई स्कूल में पढ़ा होगा। का है प्रेमचंद, खा है श्याम सुंदर दास, गा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, घा है गुलाब राय। भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है चिंतामणि, आप लोगों ने पढ़ा होगा हाई स्कूल में। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, कालिदास की निरंकुशता के रचनाकार कौन है? कालिदास की निरंकुशता इस रचना के रचनाकार कौन है? चार ऑप्शन है, का है महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, घा है नंद दुलारे वाजपेयी। तो भैया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं कालिदास की निरंकुशता के रचनाकार, नोट कर लो। और एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझना, जो स्टूडेंट इस वीडियो को मिस कर देगा, कट कर देगा भैया, उसका नंबर भी कट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तीसरा देखिए, क्योंकि ये अंतिम मौका है, चौका मार दो भैया। द मैड मैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? द मैड मैन, इसका पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? का है वासुदेव शरण अग्रवाल, खा है राय कृष्ण दास ने, गा है डॉक्टर संपूर्णानंद ने, खा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने। तो राइट आंसर होगा राय कृष्ण दास जी ने। द मैड मैन को पगला नाम से हिंदी में अनुवाद जो है राय कृष्ण दास जी ने किया। फोर नंबर क्वेश्चन देखो, प्रेमचंद का उपन्यास है, इसमें से कौन सा उपन्यास है जो मुंशी प्रेमचंद जी का है? कमेंट करो फटाफट। का है तितली, खा है कंकाल, गा है गोदान, घा है त्यागपत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, गोदान। देखिए गोदान जो है ये प्रेमचंद जी का उपन्यास है इन चारों में से। ठीक है, नोट कर लो। पांच नंबर, फाइव नंबर क्वेश्चन देखो, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक, ये आप हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये तो सबको जुबान पे होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है,
का है रामकुमार वर्मा, खा है जयशंकर प्रसाद, गा है बालकृष्ण भट्ट, घा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जल्दी बताओ, जयशंकर प्रसाद जी हैं भैया, चंद्रगुप्त, स्कंद गुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इन सब नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी। सिक्स नंबर, अज्ञेय जी की रचना, इसमें से कौन सी रचना है जो अज्ञेय जी की है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन या अज्ञेय जी पूरा नाम इनका है। का है मेरे विचार, खा है पृथ्वी पुत्र, गा है विचार प्रवाह, घा है शेखर एक जीवनी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, सॉरी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइव का राइट, सिक्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, तो देखिए स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, शेखर एक जीवनी। अज्ञेय जी की जो इसमें से रचना है शेखर एक जीवनी, इन्हीं की रचना है, बाकी तीनों इनकी नहीं है। सेवन नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है? इन चारों में से कौन सी रचना है जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की नहीं है? का है साहित्य और समाज, खा है मेरे विचार, गा है भारत की एकता, और घा है वैचार की शोध और बोधराम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, भारत की एकता। देखिए भारत की एकता जो है ये हमारे अज्ञेय जी की, सॉरी जी सुंदर रेड्डी जी की रचना नहीं है, बाकी तीनों हैं। एट नंबर क्वेश्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किस रचना, मतलब किस विधा की रचना, जैसे कई विधाएं होती हैं, संस्मरण, कहानी, आत्मकथा, डायरी, यात्रा, वृत्तांत, तो बताइए ये कौन से विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा विधा की रचना है, जो आप लोगों का इस समय टाइम चल रहा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, मतलब क्या भूल जाऊं और क्या याद करूं, समझ में नहीं आ रहा, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। ठीक है, नाइन नंबर क्वेश्चन, अपनी खबर किस विधा की रचना है? अपनी खबर बताइए, का है निबंध, खा है उपन्यास, गा है उपन्यास, और घा है कहानी। देखिए दो बार उपन्यास आ गया है, फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये उपन्यास विधा की रचना है। बस दो बार नहीं आएगा वैसे, लेकिन यहाँ पे दो आ गया तो गलती हो गई है। ठीक है, यहाँ पे कोई दूसरी रहेगी। टेन नंबर, त्याग पत्र विधा की दृष्टि से रचना है, त्याग पत्र किस विधा की रचना है? जल्दी बताओ, का है कहानी, खा है निबंध, गा है उपन्यास, घा है नाटक। तो ये आपका है उपन्यास। ठीक है, ये आपका उपन्यास है त्याग पत्र। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे करता हूं, जिसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बताइए कामायनी किस विधा की रचना है? इसका आंसर देना, बहुत ही फेमस रचना है कामायनी, ये किस विधा की है और इसके कवि कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो हमने टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ा भैया, 10 बहुविकल्पीय मैंने बता दिया है, बाकी आगे भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तो शुरुआत है भैया, अभी गद्यांश पद्यांश, साहित्यिक परिचय, कहानी, सब कुछ हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, पूरी हिंदी खत्म। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश को। अब देखिए स्टूडेंट, जो गद्यांश है वो हमारे एग्जाम में 10 नंबर की पूछी जाती है। अब 10 नंबर हम ऐसे मिस कर नहीं सकते, और गद्यांश जो है मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इजी होता है। इजी कब बोले तो बहुत ही आसान होता है। ठीक है, देखो हमने एक गद्यांश लिया है, उसको हम पढ़ेंगे, उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसी गद्यांश रिलेटेड उसका आंसर देंगे। 5 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन के लिए 2-2 नंबर, 5 क्वेश्चन के लिए 10 नंबर मिलेगा, लेकिन पहले आपको गद्यांश पढ़ना है, पढ़ोगे तभी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। देखो, भाषा की साधारण इकाई शब्द है, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही द्रुह है, यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही। ठीक है, दैनिक सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं, वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है, ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हों, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं है, यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। देखिए हमने गद्यांश पढ़ा, इसमें एक वर्ड बहुत ज्यादा आया, भाषा 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 भाषा, कई जगह भाषा आया है, तो ये किस चैप्टर का है? ये हमारे 12th हिंदी में एक चैप्टर है, भाषा और आधुनिकता, जिसके लेखक है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। ठीक है, तो अभी हम पाठ और लेखक का नाम लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा, हम संदर्भ हेडिंग डाल के लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से अवतरित
है, ऐसे लिख देंगे दो नंबर कंप्लीट। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। ये जो आपके तीन लाइन है जिनके नीचे रेखाएं दिख रही हैं आपको, इतने का अपने शब्दों में व्याख्या करना है। कोई जरूरी नहीं आप बुक से याद करके जाए वही लिखें, आप खुद के वर्ड में भी इसको लिख सकते हैं। इवार आल्सो ये राइटर, आप खुद ही एक राइटर है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, भाषा की विकासशीलता कैसे शुरू होती है? तो देखो, भाषा की विकासशीलता शब्दों के स्तर पर ही शुरू होती है। देखो यहाँ पे लिखा है, हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं। देखो, यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही, वही चीज लिखा है जो मैंने अभी बताया। तो आंसर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। चौथा देखिए, किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व ध्रुव है? तो शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ध्रुव है। आप कोई भी भाषा बोल रहे हैं उसमें शब्द बोलते हैं। देखो कहीं लिखा होगा ये, देखो शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही ध्रुव है, बस यही लिख देना। दो नंबर कंप्लीट, आठ नंबर कंप्लीट। पांचवा देखिए, भाषा की साधारण इकाई क्या है? तो भाषा की साधारण इकाई शब्द है, सब इसी में दिया गया है। देखो सबसे पहली लाइन, भाषा की साधारण इकाई शब्द है। तो आखिर क्या है गद्यांश में? काहे को डर रहे हो भैया? डरो मत, हम है ना आपके भैया। देखो यहां पे महत्वपूर्ण गद्यांश, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमने बता दिया भैया ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे। जब इसको आप सॉल्व करें, पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालें। मैंने आपको हिंदी की कॉपी लिखना बताया है, सर्च कर लो यूट्यूब पर, 12th हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। नहीं देख रहे हो, गलती आपकी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, देखना तो पड़ेगा भाई। तो देखो यहां पे आपको सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, फिर भाषा की डॉट डॉट करके आपको जो इसका लास्ट वर्ड है देखो करनी पड़ती है, ऐसे लिख दीजिएगा। देखो मैंने इसको लिखा है ये, जब आप इसको सॉल्व करें तो पहले भाषा की डॉट डॉट करके पड़ती है। इसको लिखने से एग्जामिनर को पता चल जाएगा आपने कौन सा गद्यांश सॉल्व किया है, ठीक है। अब देखो एक एक क्वेश्चन का हम यहां पर आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन आपको नहीं उतारना होता, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऐसे संदर्भ लिख के हम पाठ और लेखक का नाम लिख देंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर डायरेक्टली हम लिख दें पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, तो क्या सही है? हाँ बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। तो देखो ऐसे संदर्भ लिखकर लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक निबंध से अवतरित है। बस हो गया संदर्भ, ठीक है, ये आपका दो नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर टू को देखिए आप, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इतने का आपको व्याख्या करना है। देखो भाषा की साधारण इकाई शब्द है, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही ध्रुव है, यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही। इसको अपनी भाषा में लिखो। देखो मैंने कैसे लिखा, थोड़ा आइडिया लगाकर लिखना होगा, फ्री में नंबर नहीं मिलते। देखो ऐसे लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना और लिखना, लेखक के अनुसार भाषा की सर्व प्रमुख इकाई शब्द है, शब्द के अभाव में भाषा का विकास और उसका अस्तित्व ही संभव है। मतलब थोड़ा चेंज करके थोड़ा अपने तरीके से लिख देना, काम हो जाएगा। बिना शब्दों के भाषा के विभिन्न पक्षों का विकास कर पाना अत्यंत कठिन कार्य है। यहां तो बिना, जब शब्द ही नहीं रहेंगे, आप बोलेंगे ही नहीं शब्द, तो कैसे भाषा बनेगी? शब्द बोलेंगे तो वाक्य बनेगा, वाक्य सही भाषा बनेगा, ठीक है। यहां तो भाषा के विकास की दिशा में जो भी प्रयास किए जाते हैं वे भी शब्दों के रूप में ही होते हैं। भाषा का समस्त व्याकरणिक एवं प्रायोगिक पक्ष शब्दों की आधारशिला पर ही विकसित होता है। बस ऐसे लिख देना अपनी तरफ से, रेखांकित अंश की व्याख्या दो नंबर मिलता है इसके लिए। तो जितना आप लिख सकते हैं उतना लिखिएगा, बहुत बड़ा मत लिखिएगा उतना बहुत छोटा। तीसरा क्वेश्चन देखो, भाषा की विकासशीलता कैसे शुरू होती है? तो देखो भाषा की विकासशीलता शब्दों के स्तर पर ही शुरू होती है, ठीक है, क्वेश्चन में ही आपका आंसर दिया है। देखो यहाँ पे लिखा है, भाषा की विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही, बस हो गया, ठीक है। तो हमारा 6 मार्क कंप्लीट हो गया, मतलब 2-2-2। अभी 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, 2 क्वेश्चन और है, चलिए उसको देखते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व ध्रुव है? मतलब किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व ध्रुव है? तो शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ध्रुव है, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। पांचवा देखो, भाषा की साधारण इकाई क्या है? भाषा की साधारण इकाई शब्द है। देखो क्वेश्चन का आंसर आपको गद्यांश में मिल जाएगा, अभी मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर आपको दिखाया था लाइव प्रूफ, ठीक है। तो आप कहेंगे सर जी ये चौथा पांचवा क्वेश्चन एक एक लाइन का आंसर दे दिया, दो नंबर मिल जाएगा? भाई जितना पूछा गया उतना ही लिखना है, दो मिल जाएगा, ठीक है, और संदर्भ और उसको तो बड़ा लिखना ही पड़ेगा, ठीक है।
कहीं खुशी तो कहीं गम, कहीं छोटा कहीं बड़ा, ठीक है। तो चलिए ये गद्यांश हमारा सॉल्व हो गया, हमने 10 नंबर कंप्लीट कर लिया। लेकिन इतने से अभी और भी आपको आगे पढ़ना होगा, और भी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेने का, हम आपको सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पद्यांश को सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इस चैप्टर में मैंने एक ऐसे, इस वीडियो में मैंने एक ऐसे पद्यांश को लिया है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पवन दूतिका, श्रद्धा मनु, कैकेयी का अनुताप, इन चैप्टर के पद्यांश को तो सभी बताते हैं, ठीक है, वो मैंने भी बताया है। लेकिन जो ये सब चैप्टर है, ये जो है बापू के प्रति एक चैप्टर है, जिसके कवि है हमारे, कौन कवि है इसके, सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है, इसको मैंने लिया है। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। देखो क्या है, ध्यान से पढ़ना। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन, ठीक है। ये हमारा बापू के प्रति चैप्टर से लिया गया है, और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। मतलब सुमित्रा नंदन पंत जी क्या कह रहे हैं, बापू के प्रति, मतलब जो महात्मा गांधी है उनकी वृद्धावस्था है, उनको देखकर सुमित्रा नंदन पंत जी ने कुछ लिखा है। देखो, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, मतलब कवि पंत जी राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी को नमन करते हुए कहती हैं, मजाक मत समझिएगा, नमन करते हुए कि हे महात्मन, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, मतलब तुम्हारे शरीर में मांस और रक्त का अभाव है, ऐसा लग रहा है कि मांस है ही नहीं, ठीक है, समझ में आया। मतलब वो उनका, उनको जो है नमन करते हुए कहती है, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, अस्थि का मतलब होता है हड्डी, फिर वो कहती है तुम हड्डियों का ढांचा मात्र हो, तुम्हें देख ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा शरीर हड्डियों से रहित है, मतलब तुम्हारे शरीर में हड्डियां नहीं है, ऐसा वो कहती है, ठीक है, मतलब उनको चिढ़ाती नहीं है, उनको बोल रही है, ठीक है, ऐसा। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, फिर वो कहती है कि तुम पवित्रता एवं उत्तम ज्ञान से परिपूर्ण केवल आत्मा हो, मतलब तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, ठीक है। हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, फिर वो कहती है हे प्राचीन संस्कृतियों के उत्तम ज्ञान से परिपूर्ण, हे प्राचीन संस्कृतियों के शोषक, हे नवीन संस्कृत के प्रतीक, ठीक है। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, फिर वो कहती हैं कि तुम्हारे विचारों में प्राचीन और नवीन दोनों आदर्शों का सार विद्यमान है। देखो, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, मतलब तुम्हारे विचारों में प्राचीन एवं नवीन दोनों के आदर्शों का सार विद्यमान है। हे आदर्श आदर्श पुरुष, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, फिर वो कहती हैं कि तुम में जीवन की संपूर्णता झलकती है, जिसमें विश्व की संपूर्ण असारता को समा लेने की क्षमता है, ठीक है। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन, फिर वो कहती है तुम्हारे ही आदर्शों से देश की संस्कृति का आधार परिलक्षित होगा, और भविष्य की संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने में तुम्हारे ही जीवन के आदर्श महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मतलब हम भी गांधी जी के आदर्शों पर चलते हैं, ठीक है, तो वही यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा। इसके नीचे 5 क्वेश्चन है आपके, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग ये पद्यांश, इसीलिए मैं इसको लेकर आया हूं, और शायद आप लोग इस चैप्टर पे अभी पहुंचे भी ना हो, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। देखो, फर्स्ट है उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, अभी मैं संदर्भ लिखकर आपको बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इतने का आपको व्याख्या करना है। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन, ठीक है। तीसरा, कौन हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होता है, तो लिख दो गांधी जी देखने में हड्डियों का ढांचा ही प्रतीत होते हैं। चौथा, गांधी जी को कवि ने चिर पुराण तथा चिर नवीन क्यों कहा है, तो गांधी जी को शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा अर्थात आत्म स्वरूप होने के कारण कवि ने चिर पुराण और चिर नवीन कहा है। पांचवा, गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना पड़ेगा, तो गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में मानव संस्कृति को खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है, उनके आदर्शों का पालन करना होगा, तो यही आपको लिखना है। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा मैंने उसमें बताया था। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, चलिए सॉल्व करते हैं भाई, हमारा काम ही है सॉल्व करना। तो हम लोग पहले जो डॉट डॉट करके लिखते थे, प्रश्नोत्तर संख्या तो आपको डालना ही है, लिख दीजिएगा तुम मांसहीन डॉट डॉट करके समासीन, ऐसे लिख दीजिएगा, मैं लिखूंगा अब, ठीक है, आपके साथ, ठंडी है लेकिन फिर भी लिखूंगा, तुम मांसहीन, ठीक है,
फिर आपको डॉट डॉट ऐसे कर देना है और लिख देना अच्छे से, डॉट डॉट कीजिएगा स्केल से, हम तो भाई हाथ से ही कर दे रहे हैं, ठीक है। समासीन ऐसे कर देना है, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब आपको एक प्यारा सा हेडिंग डालना है संदर्भ, ठीक है, ऐसे फर्स्ट कीजिएगा और ऐसे संदर्भ डालिएगा। भैया जो ग्रीन पेन मैं यूज कर रहा हूँ बिल्कुल मत, आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज करना है, ठीक है। ये आपका संदर्भ हो गया, थोड़ा नीचे अंडरलाइन आप कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे प्यार से अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब यहां पे हम लोग संदर्भ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश, ध्यान से समझिएगा लिखना कैसे वो भी मैं यहां पे बता दूंगा, इसीलिए मैं साथ में लिख रहा हूं प्रस्तुत पद्यांश। अब पहले कवि का नाम भी आप लिख सकते हैं, श्री सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, श्री सुमित्रानंदन, सुमित्रानंदन नंदन, ठीक है, इसको सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, पंत भी मैं यहीं पे लिख देता हूं, पंत इतना मैंने लिख दिया। द्वारा रचित, मतलब दोनों प्रकार से आप लिख सकते हैं, जैसा मैंने उसमें बताया उस प्रकार से भी कोई दिक्कत नहीं है, द्वारा रचित। अब आपको लिख देना है पाठ का नाम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इसको ब्लैक से लिखिएगा, जो मेन मेन पॉइंट है उसको ब्लैक से करिएगा, बापू के प्रति, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है, बापू के प्रति शीर्षक, शीर्षक काव्यांश से अवतरित है, काव्यांश से अवतरित है, ठीक है, अवतरित है, ये आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या दूसरा तरीका जो मैंने शायद अभी आपको बताया था, क्या बताया था वो तरीका मैं बता देता हूं एक बार फिर से, वो आप लिख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित तथा श्री सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित बापू के प्रति शीर्षक काव्यांश से अवतरित है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश श्री सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित बापू के प्रति शीर्षक काव्यांश से अवतरित है, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक लाइन इसमें चाहे तो आप बढ़ा भी सकते हैं कि यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित है, मतलब दोनों तरीका है, तो ये दो नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखो क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसका व्याख्या कर दो, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्यलीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन, ठीक है, इसको अपनी भाषा में मैं लिखता हूं, मतलब कह रही है देखो दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, हे बापू जैसी जीवन मुक्त योगियों की दशा होती है वैसे ही दशा आपकी भी है, तुम में मानव जीवन की पूर्णता निहित है, चरम आदर्श निहित है जिसमें विश्व की समस्त आसारता लीन हो जाएगी, आशय यह है कि संसार तुम्हारे मार्ग पर चलकर अपना खोखलापन दूर करके मानव जीवन की चरम सार्थकता को प्राप्त करेगा, तुम जिन सिद्धांतों के आधार पर खड़े हो वे अमर हैं, शाश्वत हैं, इसलिए भविष्य की मानव संस्कृति को तुम्हारे ही आदर्शों पर खड़ा होना पड़ेगा, अर्थात आपके द्वारा दिए गए विचारों और ज्ञान ही मानव जात के लिए आधार होंगे, ठीक है, बस ऐसे लिख देना है, कोई जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा है सेम टू सेम लिखे, थोड़ा बहुत चेंज करके आप लिख देना, आपको नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है, तो ये आपका हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कौन हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होता है, तो इसका भी आंसर आप लिख दो, गांधी जी देखने में हड्डियों का ढांचा प्रतीत होते हैं, दो नंबर मिल गया। आप कहेंगे सर अभी मैंने संदर्भ और व्याख्या लिखा तो वो बड़े बड़े थे उसमें हमें दो नंबर मिला, क्या यहाँ पे दो लाइन लिखने से दो नंबर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, गांधी जी को कवि ने चिर पुराण तथा चिर नवीन क्यों कहा है, तो देखो गांधी जी को शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा अर्थात आत्म स्वरूप होने के कारण कवि ने चिर पुराण तथा चिर नवीन कहा है, ठीक है। पांचवा देखो, गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना पड़ेगा, तो गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य की मानव संस्कृति को खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है, बस यही आपको लिखना है भैया। यहां पे भी आपका 10 नंबर कंप्लीट पद्यांश का, तो इसमें कुछ नहीं होता, हालांकि ये जो पद्यांश था थोड़ा सा टफ था हमारे पवन दूतिका कैकेयी का अनुताप और जो श्रद्धा मनु चैप्टर है उससे, क्योंकि वो चैप्टर सभी पढ़े होंगे, शायद इस चैप्टर को आपने हिंदी मीनिंग के साथ ना पढ़ा हो, क्योंकि स्कूल में आपके जो टीचर हैं वो पूरा चैप्टर कोई कोई नहीं फिनिश कराते, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, कोई कोई तो करवा देते हैं पूरा फिनिश, लेकिन कोई कोई टीचर ऐसे होते हैं जो नहीं करवाते, तो टेंशन मत लो, हम है ना, जब तक हम हैं
आपके पास ना कोई गम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लेखक का साहित्यिक परिचय देखते हैं। लेखक का देखेंगे, फिर कवि का देखेंगे। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो टॉपिक्स हैं, ठीक है चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने आपको लेखक में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को लिया है। बहुत ही फेमस ये लेखक है, इनको मिस आउट आप नहीं कर सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेखक है। तो देखिए ट्वेल्थ वाले में एक कंफ्यूजन रहती है, ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट में, सर हमें जीवन पर्चय लिखना होगा कि साहित्यिक पर्चय लिखना होगा? क्यों टेंशन ले रहे हो, हमें छोटा सा जीवन पर्चय लिख देना है, फिर साहित्यिक पर्चय थोड़ा बड़ा लिखना है, फिर आपको कृतियां लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी लेखक या कभी का अगर आप साहित्यिक पर्चे लिख रहे हैं तो पहले हेडिंग जीवन पर्चे डालेंगे। और एक काम और, जीवन पर्चे लिखने का एक नया तरीका भी आया है कि आप लोग एक बॉक्स बनाकर पहले उनकी जितनी जानकारी है, उनका जन्म, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, शिक्षा, किस युग के लेखक हैं, ठीक है, उसको एक बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके बाद में इसको लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ऐसा मैंने सुना है, ठीक है। बट ये भी तरीका काफी अच्छा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जीवन पर्चे हेडिंग डालेंगे, इसमें इनके जन्म, इनका जन्म स्थान, इनके पिता का नाम और इनकी मृत्यु, ये सब लिखेंगे। देखो हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 19 मई 1979 ईस्वी को रुग्णता के कारण स्वर्गवास हो गया। बस इतना सा लिखना है भाई आपको जीवन परिचय में, ठीक है, थोड़ा और बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं, लेकिन हमें जितने शब्दों में लिखना, शायद 80 शब्दों में लिखना होता है, तो उससे ज्यादा लिखने से क्या फायदा है, हमें पूरा पेपर सॉल्व करना है 100 नंबर का, छूटना नहीं चाहिए, तो हमें लिमिट में लिखना है। साहित्यिक पर्चे हेडिंग डालेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, देखिए साहित्यिक पर्चे मेन है, थोड़ा सा बड़ा लिखना होगा। देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। बहुत सारी क्वालिटीज थी इनके अंदर। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविन्द्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन भी किया। तो ये आपका साहित्यिक परिचय, मतलब साहित्य में उनका परिचय कैसा है, वो क्या थे, किस भाषा में लिखते थे, कैसी उनकी शैली थी, ये सारी आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है। थोड़ा सा और लिखेंगे आप लोग, इन्हीं में से 4-6 लाइन याद रखिएगा, लिख दीजिएगा, बहुत बड़ा साहित्यिक परिचय भी नहीं लिखना, लिमिटेड में, ठीक है। देखो इन्होंने नित्य प्रत्य के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य हैं। हिंदी द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डीलिट, पद्मभूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। इनको कौन कौन सा सम्मान मिला, कौन कौन सा इनाम मिला, वो भी आपको लिखना होगा। रचनाओं पे देखते हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, ठीक है, ये इनके निबंध हैं। आलोचना साहित्य में सूरदास, कालिदास की लाली, योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। उपन्यास में वाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। संपादन में नाथ सिद्धों की वाणियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। अनुदित रचनाएं प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, संदेश रासक। अब आप लोग कहेंगे सर इतनी रचनाएं लिखना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं, आप अगर निबंध, इतिहास और उपन्यास को ही लिख देते हैं तो भी आपको नंबर पूरा मिलेगा। लेकिन अगर पूरा लिख सकते हैं भाई, तब तो 4 में चांद लग जाएगा। कुछ नहीं छोड़ोगे तो एग्जामिनर भी सोचेगा बच्चे ने बहुत मेहनत किया। तो आप लोग, मेरा काम है पूरा बताना, आप इसमें से थोड़ा बहुत कम ज्यादा करके लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आपका हो गया लेखक का साहित्यिक परिचय। अब लेखक का हो गया, चलिए कवि का भी देख लेते हैं। अब देखिए कवियों में मैंने लिया है रामधारी सिंह दिनकर जी को, ठीक है, इनका साहित्यिक परिचय हम लोग पढ़ेंगे। ये काफी फेमस कवि है, वैसे महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ट्वेल्थ में, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जी को भी आप पीछे नहीं छोड़ सकते। तो देखो रामधारी सिंह दिनकर जी, पहले जीवन परिचय। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर, बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई। इनका स्वर्गवास 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को बद्रास, चेन्नई में हो गया। बस इतना सा लिखना है, साहित्यिक परिचय देखो।
दिनकर जी की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी परिवर्तनकारी सोच रही है। उनकी कविता का उद्भव छायावाद युग में हुआ और वह प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि के युगों से होकर गुजरी। इस दीर्घ काल में जो आरंभ से अंत तक उनके काव्य में रही वो है उनका राष्ट्रीय स्वर। दिनकर जी राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रहे हैं। इन्होंने देशानुराग की भावना से ओतप्रोत पीड़ितों को प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण तथा क्रांति की भावना जगाने वाली रचनाएं लिखी हैं। मतलब इस प्रकार की इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। इनकी रचनाओं पे आ जाते हैं भाई, जो लिखा है इन्होंने, ध्यान से समझिएगा जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो रचनाएं देखो, दिनकर जी की रचनाएं निम्न है। देखो, आपको 3 नंबर साहित्यिक पर्चे, जीवन पर्चे के लिए मिलते हैं, 2 नंबर रचनाओं के लिए, तो भाई इनको जाना जरूरी है। देखो, ज्यादातर इन्होंने काव्य और कविताएं लिखी थी। देखो, काव्य संग्रह रचना में रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। कविता संग्रह में रसवंती, द्वंद्वगीत, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, कविश्री, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, स्मृत लेखक, हारे को हरिनाम, ये इनकी कविता संग्रह है। ठीक है, कविता वाली रचनाएं। बाल साहित्य में धूप छांह, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह, तो ये इनकी रचनाएं हो गई। तो पूरा साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाएं, 5 मार्क्स यहां पर भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं कहानी की तरफ। ठीक है, जो आपका पंचलैड, बहादुर, ध्रुव यात्रा, ये जो सारी कहानियां होती हैं, इनको भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, कहानी में हमने लिया है बहादुर कहानी को, और बहादुर कहानी का मैं आपको सारांश बताऊंगा। बाय द वे, हमने कहानी आपको ऑलरेडी बता रखी है, यूट्यूब पर सर्च करोगे बहादुर कहानी का सारांश शुभम लेक्चरर, तो आपको वीडियो बहुत ही प्रॉपर मिल जाएगा। बट यहाँ पे हम बहादुर कहानी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका नंबर तो फिक्स होता है। आप पंचलैड कहानी और बहादुर कहानी का उद्देश्य और सारांश पढ़ दो, ये 5 नंबर आपका एकदम फिक्स है। तो यहाँ पे हमने बहादुर कहानी का सारांश लिया है। देखो, अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। मतलब अमरकांत जी ने इसको लिखा, और ये जो कहानी है ये एक मिडिल क्लास फैमिली वालों का अपने नौकर के साथ दुर्व्यवहार करने की कहानी है, बहुत ही कटु व्यवहार करने की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। देखो क्या होता है, यहां से कहानी स्टार्ट होती है। इस कहानी में 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं, सॉरी पात्र हैं, एक तो लेखक, एक निर्मला और एक बहादुर। निर्मला जो है वो लेखक की पत्नी है, लेखक ने खुद को पात्र बनाया है, और जो बहादुर है वो नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है। निर्मला को नौकर की जरूरत होती है, बहादुर को नौकरी की, दोनों के मिलन, दोनों मिलते हैं और वो नौकर के रूप में रख लिया जाता है। तो देखो, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। मतलब भैया, अपने रिश्तेदारों के घर निर्मला ने देखा कि नौकर हैं, सारे कामकाज कर रहे हैं, आराम से बैठी रहती है हमारी दीदी जी, तो हम भी क्यों ना नौकर कर ले, हम भी बैठे रहेंगे, सारा काम नौकर करेगा, तो वही। ठीक है, आगे देखो, फिर बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। मतलब 12 से 13 साल का बहादुर नेपाल का लड़का है जो अपनी माता के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर बाहर चलाता है। मतलब उनकी माता जी उसको बात बात पे मारती पीटती है। भाई, सबकी माता जी अगर गलत राह पे चलोगे तो सभी मारेंगी। ठीक है, तो वो अपने घर को छोड़कर बहादुर बाहर नौकरी के लिए चला आता है, और निर्मला को नौकर की जरूरत होती है, वो अपने रिश्तेदारों के घर नौकर को देखकर सोचती है मेरा भी नौकर हो, तो बहादुर को रख लिया जाता है निर्मला के यहाँ। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। पहले तो बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, अरे भैया लल्ला, ठीक है, बाद में कठोरता बरतने लगते हैं। ठीक है, आगे देखिए, वो घर का सारा काम करता है, बहादुर जो है घर का सारा काम करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। मतलब बहादुर घर का सारा काम भी करता है, नौकर है, घर का सारा काम करता है, लेकिन इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज और मारपीट की जाती है। यहां तक तो वो सहन सकता, सहन लिया उसने, लेकिन जब उस पर झूठी चोरी का इल्जाम लगाया गया तो उसको बहुत बुरा लगा। फिर वो क्या होता है, अंततः बहादुर घर छोड़कर चलाता है, निर्मला का घर छोड़कर वो चलाता है कि ऐसी नौकरी का क्या जहां कोई इज्जत ही ना हो। ठीक है, अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम की आदि हो चुके हैं। भाई, बहादुर पूरा काम करता था,
तो सब लोग आराम करते थे। अब बहादुर घर छोड़कर चला गया तो सारा काम तो करना ही पड़ेगा घर वालों को, तो अब उसको ढूंढते हैं। लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो देखो बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से कुछ नहीं होगा जब बहादुर घर छोड़कर ही चला गया, ठीक है। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, उसके इसी चरित्र के कारण ये कहानी हमें प्रिय है, ठीक है। तो ये हो गया बहादुर कहानी। मतलब इस कहानी में कुछ नहीं है, सिर्फ बहादुर के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है उसी से रिलेटेड ये कहानी है। मतलब सिंपल सा है, मैं लास्ट में कहानी को थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो एक लड़का होता है बहादुर, जो नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है। उसके घर पे उसकी माता जी उसके साथ दुर्व्यवहार करती है, तो वो जो बहादुर है घर छोड़कर शहर चला आता है। इधर शहर में निर्मला रहती है लेखक की पत्नी, वो अपने रिश्तेदारों के घर नौकर को देखकर सोचती है हम भी एक नौकर रख लें। फिर बहादुर की मुलाकात उनसे होती है और बहादुर को नौकरी पर रख लिया जाता है। पहले तो निर्मला के फैमिली वाले बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं बहादुर के साथ, लेकिन बाद में कठोरता बरतने लगते हैं, उसके साथ गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं और फिर झूठी चोरी का इल्जाम भी लगाते हैं, जिससे बहादुर घर छोड़ के चला आ जाता है। भाई इतना ज्यादा टॉर्चर करोगे तो सब लोग घर छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। तो घर छोड़ के चला आता है। बाद में निर्मला के परिवार वाले बहादुर को बहुत ढूंढते हैं लेकिन बहादुर नहीं मिलता है। फिर कहा गया कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, जब बहादुर चला गया तो अब वो नहीं मिलने वाला है। तो यही आपकी होगी पंचलाइट कहानी। अब यहाँ पे एक टॉपिक और है खंड काव्य, लेकिन उसको हम इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए खंड काव्य जो होता है वो अलग अलग जिलों में अलग अलग होता है। जैसे यूपी में कई जिले हैं, कुछ जिलों में त्यागपति है, कुछ जिलों में रश्मि रथी है, कुछ जिलों में सत्य की जीत है, कुछ जिलों में श्रवण कुमार है। तो भाई कैसे मैं पढ़ा दूं, ठीक है। तो इतने टॉपिक समझ में आ गए, वो जो आपका आपठित गद्यांश है, सॉरी जो आपका खंड काव्य है, वो आप अपने अकॉर्डिंग जो आप में होगा उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं खंड। तो स्टूडेंट आज का जो ये क्लास है वो यहीं पर फिनिश होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 50 नंबर हम कंप्लीट करेंगे। तो 50 नंबर का पेपर तो कंप्लीट हुआ, खंड का मैंने एक ही वीडियो में बताया। आगे आगे देखिए होता है क्या, मैं खंड का भी एक वीडियो में लाऊंगा, लेकिन कब लाऊंगा, जब इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो ऐसे ही वीडियोज मैं लाता रहूंगा। तो आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास इसको हम बोल सकते हैं, वो यहीं पर फिनिश होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।